अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके साथ जावेद। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो वेदर है, वेदर के बारे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। परसों बारिश हुआ था, मगर आज इतना ठंडा है, क्या बोलूँगा भाई। 6-7 डिग्री अभी है यहाँ पे। इतना कोल्ड में तीन जैकेट पहना हूँ, फिर भी मेरा अभी हाथ पैर इतना समझ लो ठंड से पूरा ये हो रहा है। जैसे अपना इंडिया में होता ना ठंड, कितना होता कनकनी टाइप का, वैसे ठंड हो रहा है भाई। देखो, एक जैकेट, दो जैकेट, एक टी शर्ट, तीन। देखो, एक दो, एक टी शर्ट, तीन। इतना ठंड लग रहा है, क्या कहूँ। अभी आया था थोड़ा मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए, ठीक है। ये कार्ड खरीदने के लिए आया था, ये आप देख सकते हो, 25 यूरो का कार्ड खरीदने के लिए आया था। तो हवाई हालत ख़राब है, अभी जा रहा हूँ वापस रूम, ड्यूटी में हूँ एक्चुअली, ड्यूटी से आया था थोड़ा। देखो इतना ठंडा है तो आदमी भी नहीं ज़्यादा, आदमी भी बहुत ही कम है ठंडा की वजह से। बताओ, अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी से इतना ठंडा, नवंबर दिसंबर में क्या हाल होगा यहाँ पे। बाप भी निकल रहा है, बाप देख सकते हो, अभी इतना ठंडा है अभी से ही। ओह, पूरा हाथ कांपने लगा भाई मेरा, टोपी भी नहीं पहना है, इसलिए ठंडा का जो भी आना चाहता है, अभी जो भी क्रोशिया आने के लिए तैयारी कर रहा है तो पहले से अपना वो अपना प्रिपेयर कर ले, ठंड का जैकेट वगैरह याद से लेके आए, मुफलर वगैरह जो भी है, कैप वगैरह, टोपी वगैरह जो भी पहनता है वो पूरा याद से लेके आए, नहीं तो भाई ठंडा बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और ठंडे का सामान, कपड़ा बहुत एक्सपेंसिव वगैरह, एक्सपेंसिव भी है, तो बी केयरफुल अपना शॉपिंग, ठंड का ज़्यादा शॉपिंग करे जो भी क्रोशिया आना चाहता है, उससे पहले ठंड का सामान लगेज पैक कर ले, ओके। देखो रेस्टोरेंट भी पूरा खाली है, ज़्यादा भक्त नहीं है, बाहर कोई बैठता ही नहीं है कोई अभी ठंडा के मौसम की वजह से, पूरा रेस्टोरेंट खाली है, आप देख सकते हो इधर भी उधर भी। चलो फिर, अभी आपको भी और दिखा दूंगा बाद में, आगे का थोड़ा देर कुछ बाद। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा रेस्टोरेंट अभी खाली है ऑलमोस्ट, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। हीटर भी लगा हुआ है, देखो आप देख पाओगे रेस्टोरेंट में हीटर भी लगा हुआ है, फिर भी आदमी इतना बाहर कोई बैठता नहीं है, सबके अंदर ही बैठा हुआ है, तो इसीलिए कोई भी आना चाहता है क्रोशिया तो आने से पहले अपना ठंडा का सामान वो ले ले। और याद से बहुत बुरा ठंडा होता है अभी यहाँ पे, अक्टूबर में यह हाल है तो नवंबर दिसंबर में क्या हाल होगा। तो भाई मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, जो भी बंदे आएंगे तो आने से पहले अपना ठंडा का सामान वो पूरा प्रिपेयर कर ले, और तभी आए वो। तो इसलिए जो भी अपना, जैसे कि जैकेट और सॉक्स हाफ वाला ना लेके आए, फुल सॉक्स लेके आए, शूज़ एक्स्ट्रा ले ले, और कैप जो पूरा कान भी ढक सके वैसे टाइप का कैप ले ले, जैकेट पूरा माइनस वाला जैकेट ले ले, जो माइनस में भी जैकेट में काम आए वो सब जैकेट ले, और स्वेटर, हाईनिक वगैरह वो भी ले ले, अंदर पहनने वाला जो आता है पैंट के अंदर पहनने वाला, और टी शर्ट के अंदर, शर्ट के अंदर पहनने वाला हाईनिक सिस्टम जो रहता है वो भी लेके आए। ये सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ आप याद से ले लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महंगा है कपड़ा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को शेयर करता हूँ, प्लीज़ आने से पहले ठंडा का सामान कपड़ा देख लेके आना, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। और ठंडा कपड़ा वही बहुत एक्सपेंसिव भी है, इतना ठंडा कपड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जो एक आप जैकेट खरीदेंगे तो इंडिया में आपको उसी पैसे का तीन जैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ठंडा का शॉपिंग ज़्यादा करें, और अभी से ये हाल है, नवंबर दिसंबर आते आते अभी क्या हाल होगा, मैं खुद दिखाता हूँ। एक टी शर्ट पहना हूँ, उसके बाद एक जैकेट है, उसके ऊपर और एक जैकेट है, तीन जैकेट पहना हूँ, फिर भी बहुत ठंडा है, मेरा हाथ पूरा ठंड हो गया है, हाथ को मैं अपने पूरा पॉकेट में रखा हूँ, कान तो भाई मेरा अभी क्या बोल हो, इतना ठंडा है। तो अभी रूम पे अभी हीटर, अभी हम लोग का रूम पे अभी हीटर चालू है,
क्योंकि रूम भी इतना ठंडा होता है ना, तो रात में सोने मुश्किल होता है, तो इसलिए हीटर भी चालू करके रखते हैं हम लोग 24 आवर्स। तो प्लीज़ आप लोग आने से पहले अपना ठंडे का पूरा प्रिपेयर होके आए, और ध्यान रखें कि अपना सब कुछ लेके आए, है ना, ट्रोज़र वगैरह भी लेके ठंडे का, वो सब चीज़ पूरा लेके आने का, अब भूलना मत। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और बेल आइकन बटन दबा देना, और वेदर का नया अपडेट मैं लेके आऊँगा, आप लोग के साथ शेयर करूँगा, और कुछ भी ऐसे नया चीज़ अगर मेरे को लगता है कि शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, फिर आपको मैं शो करूँगा, फिर दिखाऊँगा। बाय बाय, थैंक यू, वीडियो को सब्सक्राइब करना, बाय बाय।